हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जारवाल ब्लॉग्स पर। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक कमाल का प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसकी मैं आपको अभी डिटेल बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। दोस्तों, मेरे पास है एक प्रोडक्ट, इसका नाम है WD-40। तो दोस्तों, मैं आज इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कितना प्रोडक्ट आता है, कितने रुपये का आता है, कौन सी कंपनी का है। तो दोस्तों, ये देखिए, मेरे पास है एक प्रोडक्ट है पिडिल, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों ये। तो इसकी मैं ग्राम में बात करूं तो दोस्तों ये है 341 ग्राम, और दोस्तों ml में बात करें हम तो दोस्तों ये है 420 ml। तो दोस्तों, ये काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है, तो मैं इसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करेगा, कैसे काम करता है ये। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज दिखा देता हूँ WD-40 का कमाल। तो दोस्तों, मैंने इसका सारा उपयोग तो आपको बता ही दिया है कैसे क्या काम। अब चलिए दोस्तों, मैं आपके इसके रिव्यू दिखा देता हूँ क्या क्या काम आता है। तो देखिए दोस्तों, ये जैसे इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है, इसको आसानी से खोल सकते हैं। जैसे भी किसी बैटरी है या किसी पे जैसे कार्बन आ जाता है तो उसके टर्मिनल होते हैं, उन पर जैसे हम इसके स्प्रे करेंगे तो आसानी से उसका ऊपर जो कार्बन जमा होता है वो आसानी से छूट जाता है। और देखिए दोस्तों, ये इसमें जैसे हमारी बैरिंग होती हैं वाल बैरिंग, तो जैसे वाल बैरिंग जाम हो जाती है तो उसके ऊपर हम ऐसे स्प्रे करते हैं इसको, तो वो भी इसका हट जाता है, जैसे आसानी से घूमने लग जाता है वो। और दोस्तों, ये देखिए, जैसे हमारा कैसा भी जंग लगा हुआ बुलेट हो तो उस पर स्प्रे करने से आसानी से हमारा ये बुलेट ये खुल जाते हैं। तो जैसे दोस्तों, और इसके रिव्यू हैं, जैसे ये हमारा है प्रोटोलाइट PCB, जैसे हमारे कोई प्लेट्स होती हैं या उसके ऊपर कोई जंग लगा होता है, तो दोस्तों पहले क्या करते थे कि जैसे हमारी कोई भी प्लेट्स होती थी उसके ऊपर वो लगा होता था जैसे, तो हम उसमें क्या करते थे, जैसे पेट्रोल लेते थे तो उससे हम सफाई करते थे ब्रश से। तो दोस्तों, ये हमारा नया प्रोडक्ट आया है, तो इसके हम एक बार स्प्रे करने से सारे ऊपर के जो भी वो होते हैं जैसे लगे होते हैं तो सारे छूट जाते हैं, कार्बन्स होते हैं तो सारे छूट जाते हैं इससे स्प्रे करने से। तो जैसे दोस्तों, ये मैंने बताया था कि ये जैसे बैरिंग है, ये देखिए दोस्तों आपको दिख रहा हो। तो दोस्तों, पहले जैसे कहीं पे जैसे बैरिंग जाम हो जाती थी या किसी बड़े उसमें जैसे कि हमारी बैरिंग होती थी 4-5 बैरिंग, जैसे हिस्सा है ट्रैक्टर का है जो ऐसे जाम हो जाता है, काफ़ी दिन हो जाते हैं उसको चले हुए। तो जैसे हम पहले यूज करते थे ऑयल यूज करते थे और हम पेट्रोल यूज करते थे, तो दोस्तों उससे क्या है कि हमें थोड़ा टाइम लगता था, और ये यूजफुल प्रोडक्ट WD-40, तो इससे आसानी से वो जंग लगा हुआ या ऑयली होता है उस पर तो वो सारा हट जाता है और आसानी से हमारा काम हो जाता है। तो जैसे दोस्तों, ये पीछे ये दिख रहा होगा आपको, तो दोस्तों इसको भी जैसे पीछे से नट होते हैं वो टाइट हो जाते हैं तो खुलते नहीं हैं स्क्रू ड्राइवर से, तो थोड़ा आप स्प्रे करके तो इसको आप आसानी से खोल सकते हो। तो दोस्तों, ये काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है। और ये इसकी MRP की बात करें तो दोस्तों, इसकी MRP है 350 रुपये का ये प्रोडक्ट। तो दोस्तों, मैंने अभी आपका इसका रिव्यू बताया था आपको। तो दोस्तों, मैं अभी इसका जो भी मैंने आपको बताया था वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं क्या क्या करने वाला हूँ अभी, तो देखिए दोस्तों दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे दोस्तों, हमारे पास ये प्लेट्स पड़ी हुई है जो इस पर कार्बन आया हुआ है, और देखिए दोस्तों, ये मेरे पास जंग लगा हुआ बुलेट है। देखिए दोस्तों, कितना जंग है इसमें, मैं इसको आपको छुड़ा के दिखाऊंगा कैसे जंग छूटेगी इसकी। और दोस्तों, जैसे हमारे बैटरी होती है, बैटरी पे जैसे इस पर कार्बन आ जाता है, तो वो भी मैं दोस्तों आज इस वीडियो में आपको छुड़ा के दिखाऊंगा कि कैसे इससे ये छूटते हैं कार्बन। चलिए दोस्तों, मैं आज इस बैटरी के ऊपर जैसे कार्बन, देखिए दोस्तों कितना गंदा हुआ पड़ा, कितना कार्बन जमा हुआ है, मैं इसको आपको छुड़ा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ब्रश की सहायता से इसको के दोस्तों आसानी से ये कार्बन अट चुका है इसके टर्मिनल के ऊपर से। देखिए,
देखिए दोस्तों, काफ़ी सारा कार्बन हट गया है इस पे से। देखिए दोस्तों, मैंने इस पर अभी कार्ब ये लगाया था, तो देखिए सारा कार्बन हट गया दोस्तों। पहले हम क्या करते थे, पेट्रोल लेते थे, फिर इसको रगड़ते थे, तो फिर भी जैसे हम इससे 40 से WD-40 से टूटा ऐसा कार्बन उससे नहीं टूटता था। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सारा कार्बन हट गया इस बैटरी के ऊपर से। तो चलिए दोस्तों, मैं आज दोबारा से दूसरा ये जैसे प्लेट्स लिए मैंने, तो मैं इनको भी छुटा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कितना गंदा हुआ पड़ा है। तो दोस्तों, मैं इस पर डालता हूँ WD-40। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से डालनी है आपको दोस्तों, और इसको ऐसे रब करना है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे कार्बन हट गए एक बार में ही। पहले दोस्तों हम जैसे पेट्रोल से इसको रगड़ते थे, तो इतना सफाई नहीं होती थी, क्योंकि दोस्तों अब हमारे यहाँ पे पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों हम कमाल का प्रोडक्ट लेके आए हैं आपके लिए। देखिए दोस्तों, सारे कार्बन हट गए हैं देखिए प्लेट से। देखिए दोस्तों, मैंने अभी इस बैटरी के टर्मिनल से अभी कार्बन हटाया था, और इस प्लेट के ऊपर से कार्बन जो था वो हटाया था। अब देखिए दोस्तों, मैं ये बुलेट है इससे कार्बन छुड़ा के ये जंग हटा के दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन ये बहुत कठिनाई का काम है, क्योंकि दोस्तों इस पे बहुत जंग लगी हुई है। सबसे ज़्यादा मेहनत दोस्तों मुझे इसमें होगी, क्योंकि ये पूरा बुलेट जंग से देखो लथपथ है पूरा। तो दोस्तों, मैं इसको आज आपके WD-40 की सहायता से मैं आपको इस बुलेट को खोल के दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हमें कुछ इस प्रकार इसमें ऊपर से प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर आसानी से जाने लग गया है WD-40। देखिए दोस्तों, और दोस्तों थोड़ा इधर पीछे की साइड भी स्टिक कर लेना है, थोड़ा इसको घुमाइए इधर उधर, ताकि आसानी इसके अंदर थोड़ा ये जंग फूल जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इसको, तो दोस्तों ये क्या है कि थोड़ा जंग लगा हुआ बुलेट ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें इसको खोलने में। देखिए दोस्तों, मैं इसको उसकी सहायता से रगड़ लेता हूँ एक बार, ताकि थोड़ी बहुत ये जंग लगी है इसके ऊपर, तो ये आसानी से खुल जाए। क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी, दोस्तों मैंने अभी इस पर बुलेट पर WD-40 डाला था, और दोस्तों मैंने इसको कम से कम आधे घंटे WD-40 को बर्तन में लेके उसमें डुबो के रखा था। तो दोस्तों जैसे मैंने इसको उसमें डुबो के रखा था, और मैंने इसको ब्रश की सहायता से ऐसे रगड़ा, तो दोस्तों इसका कलर भी चेंज हो गया, काफ़ी हद तक इसकी जंग छूट गई है। क्योंकि दोस्तों जो WD-40 होते हैं उसमें रसायन होता है, तो जंग को आसानी से छुड़ा सकता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने थोड़ा पानी का यूज़ किया था, पानी लगा के। और दोस्तों देखिए, मैंने आसानी से बुलेट आपको खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये आसानी से, देखिए दोस्तों, ये आसानी से खुल गया है WD-40 की सहायता से। तो देखिए दोस्तों, ये हमने जंग लगा हुआ था दोस्तों, ये बुलेट देखिए, ये WD-40 की सहायता से आसानी से बुलेट खुल गया है। तो दोस्तों इसमें रसायन होता है जो जंग, तो दोस्तों ये देखिए आप, आसानी से बुलेट भी खुल गया, क्योंकि दोस्तों इसमें रसायन होता है जो जंग को आसानी से खुला देता है। तो दोस्तों, ये आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको इसे प्लेट है, और ये बैटरी के ऊपर टर्मिनल है, और ये जंग लगा हुआ बुलेट ये खोल के दिखाया था WD-40 की सहायता से। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।